सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत राव, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप कैसे बन सकते हैं, यानी कि सरकारी वकील आप कैसे बन सकते हैं, कैसे अपना करियर जो है इसके अंदर बेहतरीन बना सकते हैं, तो इसी बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और लास्ट से जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सरकारी वकील आपको पता ही होगी क्या होता है, कि सरकारी वकील होता है जो कि राज्य की हाईकोर्ट होती है, उच्च न्यायालय होते हैं, केंद्र सरकार जो भी राज्य सरकार होती है उसके अंदर क्या है कि आपको पता ही होगा कि उच्च न्यायालय वगैरह होते हैं, जो हाईकोर्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या है कि सरकारी वकील वगैरह होते हैं। ये एक भी हो सकता है, एक से दो अधिक भी हो सकते हैं, तो उनकी नियुक्ति इनमें हाई कोर्ट वगैरह में या फिर कोर्ट वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे की जाती है। तो दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या है कि निम्न प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी, वो जान लेते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या क्या करना होता है। तो आपको सबसे पहले तो है ना, स्नातक आपकी पूरी होनी चाहिए, वो भी वकालत के अंदर, यानी दोस्तों इसी से जुड़ी हुई, वकीली से जुड़ी हुई आपकी डिग्री वगैरह आपकी की हुई होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, इसका जो है सिलेक्शन जो है दो प्रकार से हो जाता है। पहला है अनुभव के आधार पर, यानी दोस्तों एक्सपीरियंस बेस पे, और दूसरा APO परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपका सिलेक्शन जो हो सकता है। APO भी एक परीक्षा होती है जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, एग्जाम होता है जो कि वकीलों वगैरह के लिए, सरकारी प्रोसिक्यूटर के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों, अनुभव के आधार पर अब कैसे किया जाता है। अब अनुभव के तौर पे आपका क्या है कि न्यूनतम आपके पास है ना 7 साल का ना अनुभव होना चाहिए, और अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट वगैरह उसकी आयु वगैरह न्यूनतम 35 साल की होनी चाहिए, और उसके साथ तर्क वितर्क में भी उसको आगे सक्षम होना जरूरी है, और उसके साथ साथ उसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहिए, और उसके साथ साथ राजनीति में भी उसका अच्छे खासी पहुँच होनी चाहिए, अच्छे खासे संपर्क वगैरह होने चाहिए, तब जाकर कहीं आपके सरकार है ना आपका चयन जो है वकील के तौर पर कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों, अनुभव के आधार पर चयन होने पर आपको क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। आपको क्या है कि अनुभव के आधार पर अगर मिलता है ना, तो दोस्तों आपकी है ना ये वकीली की जॉब, जो सरकारी वकील आप तब तक ही रहेंगे जब तक सरकार चलती है, और जब भी सरकार बदलेगी तब तक आपको हटा भी जाया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी क्या है कि आपको नुकसान होता है। और दोस्तों, APO जब परीक्षा के द्वारा आप चयन करते हैं ना, तो उसमें ये रिस्क नहीं होता है। तो ये जान लेते हैं APO परीक्षा क्या होती है। अब ये है ना, प्रत्येक वर्ष है ना, हर साल है ना, वकील को वकील सरकारी वकीलों को रखने के लिए परीक्षा ली जाती है राज्य सरकार के द्वारा, APO की परीक्षा होती है। ठीक है, इसमें भाग लेने के लिए आपको है ना वकालत की आप में स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या है कि APO की परीक्षा में सम्मिलित होने आप ले करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अगर इसके अंदर आप सफल हो जाते हैं, यानी दोस्तों इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है सरकारी वकील के रूप में आपको जो है रख लिया जाता है। अब इसके लाभ वगैरह क्या है APO परीक्षा के, आपको क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार द्वारा पदमुक्त होते हैं, यानी दोस्तों आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं होती है, और कोई भी दल की सरकार होने पर भी आपको कोई प्रभावित नहीं कर पाता है, यानी कि दोस्तों कोई भी हटा वगैरह नहीं सकता। तो दोस्तों आप परमानेंट वकील, सरकारी वकील बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों APO परीक्षा आप सिलेक्शन कैसे करती है, इनका 3 विभागों में यानी कि 3 चरणों में परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा, इसमें क्या है कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मुख्य परीक्षा होती है। उसके बाद दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी कि इंटरव्यू वगैरह आपसे लिया जाता है। अब ये परीक्षा के अंदर आपको कैसे रहता है, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर एक पेपर होता है और 150 अंक का आपका ये पेपर होता है। उसके अलावा दोस्तों मुख्य परीक्षा होती है, जो लिखित परीक्षा होती है, 4 पेपर होते हैं जो कि 400 अंक के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका रहता है साक्षात्कार, यानी कि दोस्तों वो रहता है आपका 50 अंक का। तो ये सारे टोटल अंक आपके जोड़े जाते हैं। इसके बेस पे क्या है कि आपके जैसे ही आप पास वगैरह कर लेते हैं, इसमें जो है रैंक आपकी निकाली जाती है, मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाती है, उसमें जिसका भी कैंडिडेट का नाम होता है उसको जो भी रैंक होती है उस हिसाब से उसको पद वगैरह दे दिया जाता है, और उसको चयनित कर लिया जाता है सरकारी वकील के तौर पर, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उसको रख लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनमें परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान जो है, साक्ष्य कानून वगैरह की, आपराधिक कानून प्रक्रिया होती है, ये दोस्तों ये होती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता होती है। ठीक है, भारतीय सक्षम अधिनियम होगा, भारत का इतिहास होगा, विश्व भूगोल प्रदर्शन होगा, विश्व राष्ट्रीय आंदोलन होगा, सामान्य विज्ञान हो गया। तो दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह इनमें आते हैं, तो ये दोस्तों आपको तैयारी वगैरह अच्छा करनी होगी। उसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि सैलरी वगैरह की बात कर लेते हैं, तो इनकी सैलरी बेसिक जो सैलरी रहती है 47,600 से लेकर उसके ऊपर ही रहती है, और अगर पे स्केल वगैरह भी इनका रहता है तो वो भी हो सकती है, या फिर दोस्तों इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इनकी सैलरी वगैरह रहती है। अब सरकारी वकील के क्या क्या काम होते हैं वो बताना चाहूंगा। इसके अंदर क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी मुकदमे वगैरह होते हैं उनकी पैरवी करना इसका काम होता है। उसके अलावा दोस्तों जो भी सरकार के अधीनस्थ अनुसार जो भी मुकदमे व कार्रवाई में भाग लेता है ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति है, जो कि क्या है कि वकीलों वगैरह के जो भी प्राइवेट वकील वगैरह उनकी जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सरकारी वकील उनकी मदद करता है, तो पीड़ित व्यक्ति मुकदमे की ये लड़ता है, यानी कि पैरवी वगैरह करता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि ये कोई शुल्क नहीं लेता है, उसको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, और फ्री में उनका केस वगैरह हैंडल करता है। इसके अलावा दोस्तों न्यायालय के कार्यों में सहयोग प्रदान करता है ये। उसके अलावा दोस्तों आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य के
राज्य के न्याय वह मुकदमे के अपील कानून से जुड़े अन्य प्रक्रियाओं में भी प्रभारी रहता है, ठीक है। और दोस्तों सबूत वगैरह पेश करना, और दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनका कार्य काम जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जांच वगैरह करना और केस के सबूत जो भी होते हैं उनको न्यायालय में समक्ष पेश करना होता है। तो दोस्तों ये सारे काम इसके रहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा क्या है कि आपको कंपटीशन की तैयारी वगैरह करनी होगी तब कहीं जाकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप वगैरह लग सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी करेंगे ना तो आप आराम से पब्लिक प्रोसिक्यूटर लग सकते हैं। तो तैयारी कीजिए, कंपटीशन थोड़ा सा होगा और वकालती डिग्री वगैरह आपको इसके लिए चाहिए होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप आराम से सरकारी वकील वगैरह बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।